नमस्कार दोस्तों, कल ही रात को नरेंद्र सिंह मोदी ने फिर दोबारा से ऑनलाइन आना पड़ा, लाइव आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि देश के ऊपर जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर आ चुकी है, और पहले एक दिन का कर्फ्यू किया लेकिन बात नहीं बनी, तो अब पूरा 21 दिन के लिए आप लोगों को अंदर रहना है। अगर इस महामारी से, इस कोरोना की जो बीमारी से बचना है, तो आपको बता देता हूं मैं दोस्तों, इटली जो देश है विश्व में दो नंबर पे आता है वो स्वास्थ्य विभाग में, डॉक्टरों की टीम में अगर हम देखें तो वहां डॉक्टर सबसे ज्यादा है, और वहां पे वो दो नंबर में आता है, और उनकी जनसंख्या 6 करोड़ है। 6 करोड़ के बाद दो नंबर पे आना, और वहां पे ये रोग इतना फैल चुका है क्योंकि वहां के जो प्रशासन ने हाथ खड़ी कर दी कि हमारे बस का नहीं रहा। तो आप मान के देखिए, भारत के अंदर 133 करोड़ जनसंख्या है, और डॉक्टरों की अगर हम बात करें 112 नंबर पे आ रहे हैं स्वस्थ भाग। तो यहाँ पे ये रोग अगर आ गया तो बहुत ही मुश्किल समय आ जाएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। दोस्तों, नरेंद्र सिंह मोदी की बात को फॉलो करें, ये जनता के लिए कर्फ्यू है, जनता के बचाव के लिए, और इसमें एक ही बचाव है, सिर्फ अपने घरों में रहना है, घर से बाहर ना जाएं, घर से बाहर ना जाएं। आपको जरूरी जो चीजें सरकार ने प्रोवाइड की है, उपलब्ध की है, दूध है, फल है, खाने की चीजें हैं, वो सब मिलेंगे आपको। लेकिन दोस्तों, इस बीमारी में इस देश का साथ दे, जनता के ऊपर ही, और हाँ, जो 21 दिन अंदर रहेगा वो भी एक देशभक्त माना जाएगा। दोस्तों, इन बातों को फॉलो करें, अपने घर में रहें, बाहर ना जाएं। अगर परिवार में से एक भी बच्चा या कोई भी बाहर चला जाता है और ये रोग घर में आ गया तो पूरे परिवार, पूरी फैमिली को दिक्कत हो जाएगी। तो घर में ना जाएं, बार बार यही है, 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है अपने घर में ही रहें। जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम।